बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है ये पिछली वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हमने डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट की थी। डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की कुछ इनफॉर्मल रूल्स हमने देखे थे कि जिनको यूज़ करते हुए हम डेटाबेस के डिज़ाइन को बेहतर कर सकते हैं, और सेकेंडली हमने कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम उसी जो प्रोसेस था नॉर्मलाइजेशन का उसी को कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, जिससे हम अपने डेटाबेस की डिज़ाइन क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटाबेस का डिज़ाइन जो है वो कितना अच्छा है। और उसमें वैसे तो डेटाबेस की नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 22 कोड नॉर्मल फॉर्म, फिर फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक जाती हैं। लेकिन नॉर्मली फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं, और इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं नॉर्मल फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपको लास्ट वीडियो भी जो है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उस पे ही उसी के ऊपर जो है कुछ रूल्स पे नॉर्मल फॉर्म्स जो हैं वो बेस करती हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रेज होता है दैट इज़ कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो क्या है। नॉर्मलाइजेशन जो है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिंग अनसेटिस्फैक्ट्री बैड रिलेशंस बाय ब्रेकिंग अप देयर एट्रीब्यूट्स इनटू स्मॉलर रिलेशंस। ठीक है, यानी कि एक टेबल है हमारे पास, एक रिलेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं, और हमें हमारी जो कुछ रूल्स हैं जिनकी मदद से हमें ये पता चलता है कि ये एक बैड रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं कि हम उस रिलेशन को ब्रेक करते हैं और उससे एक या एक से ज़्यादा जो हैं वो नए रिलेशन जो हैं वो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ रूल्स हैं, उसकी बेस पे हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं, और फिर उस टेबल को कह लें कि ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा रिलेशन्स बना देते हैं। इसी तरह से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम दोबारा जो है वो रिलेशन को ब्रेक करते हैं, और इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए। तो ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है और हमारा डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो इम्प्रूव होता जाता है। नॉर्मल फॉर्म जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंडीशन होती है ऑन कीज, जिसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज देखते हैं कि रिलेशन की। ठीक है, ये देखने के लिए कि रिलेशनल स्कीमा जो है वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल फॉर्म के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस की थी, उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को यूज़ करते हुए हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो आइदर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। इसकी कुछ आगे फॉर्म्स भी हैं, जैसे BCNF है, ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज पे ही बेस करती हैं। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म भी हैं, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी हैं, जो कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज और जॉइंट डिपेंडेंसीज पे बेस करती हैं। हम इन एडवांस नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये एडवांस फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं, और अगर आप देखना चाहें तो आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इसकी डिटेल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसलिए परफॉर्म की जाती है ताकि हमारा जो अल्टीमेट डेटाबेस का डिज़ाइन जो डेवलप हो उसमें हाई क्वालिटी के जो रिलेशंस हैं वो हों और वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ के साथ हों। ठीक है, वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या हैं। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम डिज़ायर करते हैं कि हमारे रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हो। वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए डिफरेंट हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए डिफरेंट हैं, और इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए कुछ डिफरेंट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम जो हैं वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म बेस करती है, और अगर कोई रिलेशन फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो क्या थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि नॉर्मलाइजेशन हम करते हैं डेटाबेस की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, लेकिन वहीं पर एक और प्रोसेस भी होता है जिसे डेटाबेस डी नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें कोशिश ये होती है कि डेटाबेस के टेबल्स को जॉइन कर दिया जाए इस तरह से कि
एफिशिएंसी जो है डेटा रिट्रीवल की, जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो। ठीक है, तो डीनॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस भी इसी तरह से होता है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि इस वीडियो के अंदर नॉर्मलाइजेशन को ही देखने जा रहे हैं, तो उसी के नॉर्मल फॉर्म को हम वन बाई वन जो है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें सुपर की और कीज़ के रिलेशन को दोबारा रिफ्रेश कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था सुपर की जो है वो एक ऐसा सबसेट होता है रिलेशन आर का, जिसमें कोई भी दो ट्यूपल्स आप अगर ले लें, टी वन और टी टू, तो उनकी वैल्यूज़ कभी भी जो है वो सेम नहीं होंगी। ठीक है, तो सुपर की ऐसा कीज़ का सबसेट होता है जो कि आप यूं कह लें कि डिस्टिंक्टली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिफरेंट ट्यूपल्स को, तो उनकी वैल्यू किसी भी दो ट्यूपल्स के लिए कभी भी सेम नहीं हो सकती। और उसी से की ड्राइव होती है, की जो है वो मिनिमल सुपर की होती है, और उसमें की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी अगर उस सेट में से अगर हम एट्रीब्यूट अगर रिमूव करेंगे तो वो फिर सुपर की नहीं रहेगी, तो इसको हम की कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कैंडिडेट कीज़ कौन सी होती हैं, वो सारी कीज़ जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं एक रिलेशन के डिफरेंट ट्यूपल्स को, वो सारी की सारी कैंडिडेट कीज़ कहलाती हैं, और उनमें से एक की को हम जो है वो प्राइमरी की, एज प्राइमरी की जो है वो डेजिग्नेट करते हैं, और बाकी जो है वो फिर सेकेंडरी कीज़ जो है वो बन जाती हैं। और प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो किसी कैंडिडेट की का मेंबर जो है उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, किसी कैंडिडेट की का मेंबर अगर हो तो उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जिस तरह से कि अगर वो किसी कैंडिडेट की का मेंबर नहीं है तो उसे हम नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे। अच्छा जी, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स जो हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अलाउ नहीं करती, और इसी तरह से नेस्टेड रिलेशंस जो हैं वो भी अलाउ नहीं करती फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि एट्रीब्यूट्स हुज वैल्यूज फॉर एन इंडिविजुअल ट्यूपल आर नॉन एटॉमिक। ठीक है, तो इससे क्या मुराद है, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। वैसे जो जब भी आप रिलेशंस को इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो नॉर्मली वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही होते हैं। ठीक है, उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि अक्सर जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो नेस्टेड रिलेशंस जो हैं या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो हैं उनको अलो नहीं करते। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे है कि लेट्स से हम डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, तो अगर डिपार्टमेंट के रिलेशन के अंदर डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट मैनेजर, इसके अलावा डिपार्टमेंट लोकेशन भी अगर हम स्टोर कर लें, तो फिर हमारा जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप बी में देखें, जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमने इसमें इंसर्ट की हुई हैं इस रिलेशन के अंदर, तो वहाँ पे देखें कि रिसर्च के अगेंस्ट डी लोकेशन के अंदर तीन लोकेशंस आ रही हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट लोकेशन के अंदर तीन लोकेशन आ रही हैं, तो ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को अगर आप इस तरह से डिफाइन करोगे तो ये उस कह लें कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन को वायोलेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये कहती है कि किसी भी रो के अंदर उसके किसी कॉलम के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड, एक ही वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तीन वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे सी पार्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हम जो डिपार्टमेंट हैं उसकी वैल्यूज को रिपीट कर लें, और वहाँ पे डी लोकेशन के अंदर हम जो लोकेशन की इंफॉर्मेशन है वो अलहदा अलहदा जो है वो स्पेसिफाई कर दें। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा रिलेशन था जो कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं था, उसको हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है,
इसी तरह से दूसरी एग्जांपल है जैसे कि मैंने नेस्टेड रिलेशंस की बात की थी, तो यहाँ पे आप देखें कि जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट लेट से एम्प्लॉय के अगेंस्ट प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मैंने स्टोर करनी है और मैं एक ही रिलेशन उसके लिए डिफाइन करके उसमें जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है और जो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एम्प्लॉय जो जॉन्स बी स्मिथ है उसके अगेंस्ट दो प्रोजेक्ट नंबर्स हैं, दो प्रोजेक्ट्स पे वो काम कर रहा है और उसके जो आवर्स हैं वो भी उसी के सामने आ रहे हैं। तो ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। हमें जब हमने इंफॉर्मेशन ली क्लाइंट से तो हमें पता चला कि हमने एम्प्लॉय के साथ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी स्टोर करनी है, तो हमने एक ही रिलेशन के अंदर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी और प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दी। लेकिन यहाँ पे भी आप देखें कि एक रो के अंदर एटॉमिक वैल्यूज नहीं है, एक रो के अगेंस्ट दो तीन प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है, तो ये भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। इस रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे हम कि इस रिलेशन को हम ब्रेक कर देंगे दो रिलेशंस के अंदर, ठीक है। जैसे कि पार्ट सी में नज़र आ रहा है आपको कि हमने एक रिलेशन बना लिया एम्प्लॉय प्रोजेक्ट वन के नाम से और उसको दो एट्रीब्यूट्स उसमें जो हैं हमने दो एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए SSN और ई नेम, और इसी तरह से एक दूसरा रिलेशन बना दिया एम्प्लॉय प्रोजेक्ट टू के नाम से जिसको हमने SSN पी नंबर और ऑर्स ये तीन वैल्यूज जो हैं ये हमने तीन एट्रीब्यूट्स जो हैं इसमें इस तरह से स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से अब ये वाले जो सी वाले सी के अंदर जो दोनों रिलेशन हैं ये दोनों फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हैं क्योंकि इसमें किसी भी ट्यूपल के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी जिसमें नॉन एटॉमिक वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि जिसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है ये कॉन्सेप्ट यूज़ करती है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का और प्राइमरी की का, और इसके लिए प्राइम एट्रीब्यूट जो है उसको समझना ज़रूरी होगा। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? एन एट्रीब्यूट डेट इज मेंबर ऑफ द प्राइमरी की, उसे हम प्राइम एट्रीब्यूट कहते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें समझनी होगी सेकंड नॉर्मल फॉर्म को समझने के लिए, दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से क्या मुराद है? फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी से ये मुराद है कि अगर वाई जो है वो डिटरमिन करता है जी को, और इस तरह से कि रिमूवल ऑफ एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम वाई मीन्स द फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट होल्ड एनी मोर, ठीक है। इट मीन्स के ये फुली फंक्शनल डिपेंडेंस है। वाई में से कोई भी एट्रीब्यूट का जो सेट है वाई, इसमें से अगर कोई भी एट्रीब्यूट हम निकाल दें तो जी जो है वो वाई पे डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। तो अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो तो इट मीन्स के जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि SSN और पी नंबर जो है ये मिल के डिटरमिन करते हैं ऑर्स, ठीक है। तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्योंकि हाली अगर सोशल सिक्योरिटी नंबर हो तो वो भी ऑर्स डिटरमिन नहीं कर सकता, और इसी तरह से हाली प्रोजेक्ट नंबर हो तो वो भी ऑर्स डिटरमिन नहीं कर सकता। तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक एग्जांपल है। वहीं पे अगर दूसरी एग्जांपल देखें जो SSN और पी नंबर है, तो ये मिलके इन ई नेम को डिटरमिन करते हैं, तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें से पी नंबर को निकाल भी दें तो हाली जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसकी बेस पे भी एम्प्लॉय का नाम जो है वो डिटरमिन होता है। तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अ रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। अगर तो हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट है जो प्राइमरी की है उस पे, तो इट मींस के हमारा जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखें, ये जो ए एग्जाम्पल है, ए एग्जाम्पल के अंदर जो एम्प्लॉय प्रोजेक्ट है, एम्प्लॉय प्रोजेक्ट का जो रिलेशन है उसमें सोशल सिक्योरिटी नंबर है, प्रोजेक्ट नंबर है, आवर्स है, नेम है, प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट लोकेशन है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर और प्रोजेक्ट नंबर जो है ये प्राइमरी की है, कंपोजिट प्राइमरी की दो प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं जो मिलके जो है वो एक प्राइमरी की बना रहे हैं। तो ये दोनों जो हैं मिलके ऑर्ड्स को तो डिटरमिन करते हैं, लेकिन ई नेम जो है वो SSN और पी नंबर दोनों पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी दोनों मिलके ई नेम को, एम्प्लॉय का नेम जो है वो उसका प्रोजेक्ट नंबर से तो कोई तलक नहीं है ना। प्रोजेक्ट नंबर तो कुछ भी हो सकता है, असल तो उसका तलक है सोशल सिक्योरिटी नंबर के साथ। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर पे डिपेंड कर रहा है, या सोशल सिक्योरिटी नंबर एक्चुअली डिटरमिन कर रहा है एम्प्लॉय नेम को, ठीक है। तो जो हमारी प्राइमरी की है वो तो दो एट्रीब्यूट्स को मिला के बनी है, तो इट मीन्स कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो नहीं है यहाँ पे। इट मीन्स कि ये रिलेशन जो है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट नेम है और प्रोजेक्ट लोकेशन है ये भी कंपोजिट की जो है SSN और पी नंबर उन दोनों पे फुली डिपेंडेंट, फुली फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। ये पी नेम और पी लोकेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ पी नंबर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस एक रिलेशन को हम ब्रेक करके तीन रिलेशंस बना देंगे, उनके हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे EP1 है, EP2 है, EP3 है, ठीक है। तो तीन हमने रिलेशंस बना दिए, और ये तीनों रिलेशंस जो हैं आप ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हैं और ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हैं, ठीक है। इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म की भी एग्जांपल नीचे बी पार्ट के अंदर आपको नजर आ रही है। बी पार्ट के अंदर एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही रिलेशन के अंदर स्टोर की गई है। इसमें एम्प्लॉय नेम है, SSN है, बर्थ डेट है, एड्रेस है, डी नंबर है, और डी नेम और डिपार्टमेंट मैनेजर है। डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन और एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन एक ही रिलेशन के अंदर जो है वो स्टोर की गई है। यहाँ पे जो प्राइमरी की है वो कंपोजिट तो नहीं है, उसमें सिर्फ SSN की बेस पे जो है वो कंपोजिट की जो है वो बनाई गई, प्राइमरी की जो है वो बनाई गई है। तो प्राइमरी की के अंदर एक ही एट्रीब्यूट है SSN, ठीक है। लेकिन ये इस पे इसलिए ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो है लेकिन थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो क्या कहती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। यानी कि डी नेम जो है डिपार्टमेंट का नेम वो डिटरमिन कौन सी की कर रही है, डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है। डिपार्टमेंट नंबर की बेस पे डिपार्टमेंट नेम जो है वो साइन होगा ना। तो डिपार्टमेंट नंबर जो है, अब डिपार्टमेंट नंबर जो है वो बेस कर रहा है SSN पे, ठीक है, कि SSN डिटरमिन कर रहा है कि ये एम्प्लॉय जो है ये किस डिपार्टमेंट के अंदर है। लेकिन ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसके अंदर, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर डिपेंड कर रहा है डी नंबर पे और फिर डी नंबर जो है वो डिपेंड कर रहा है SSN पे। तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की एग्जाम्पल है और ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिलेशन नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको अगेन जो है हम ब्रेक करते हैं दो रिलेशंस में, ठीक है। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं कि हमने ED1 और ED2 दो रिलेशन जो हैं वो बना दी हैं, और इसमें जो है वो डी नंबर जो है डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन अलग रिलेशन के अंदर आ गई, और जो जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है वो अलग रिलेशन के अंदर आ गई। इस तरह से ये सेकंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है ये रिलेशन आ गया, ठीक है। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है, इसमें ये इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट किया गया, ठीक है। सो थर्ड
थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हम चेक करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर. अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमिन्स जी दैट कैन बी ड्राइव फ्रॉम टू फंक्शनल डिपेंडेंसीज एक्स डिटरमिन्स वाई एंड वाई डिटरमिन्स जी. जैसे कि SSN जो है वो डिटरमिन करता है डिपार्टमेंट मैनेजर SSN, ये एक ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है. क्यों? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो डिटरमिन कर रहा है डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर जो है वो डिटरमिन करता है डिपार्टमेंट मैनेजर का जो SSN है उसको, ठीक है. लेकिन अगर हम SSN determines e name देखें तो ये नॉन ट्रांजिटिव है. क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट एक्स नहीं है कि SSN डिटरमिन करे एक्स को और एक्स जो है वो डिटरमिन करे ई नेम को, ठीक है. तो हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को चेक करने के लिए ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं उनको चेक करते हैं और उसकी बेस पे हम अपने रिलेशन को फर्दर जो है वो ब्रेक करते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर रिलेशन आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, ठीक है. और फिर हम क्या करते हैं, अगर वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम उस रिलेशन को डीकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा रिलेशन जो हैं उसमें कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पे ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि x determines y और y determines z जो है, जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मैंने आपको बताया, वो तभी होल्ड करेगी अगर x जो है वो प्राइमरी की है और y जो है वो कैंडिडेट की नहीं है. यानी कि अगर y भी कैंडिडेट की है तो उस केस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है. अब यहाँ पे नीचे देखें SSN determines employed ID number determines salary, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि SSN जो है वो प्राइमरी की तो है लेकिन एम्प्लॉय नंबर जो है वो भी एक कैंडिडेट की है, यानी कि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का. और हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो है ये ऑलरेडी थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है. हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स को इनफॉर्मली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो तब होल्ड करती है किसी रिलेशन पे इफ ऑल एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द की, ठीक है, और उनमें एटॉमिक वैल्यूज होंगी डेफिनेटली, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म तब होल्ड करती है अगर ऑल द एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन द होल की. इसी तरह से थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो तब होल्ड करती है व्हेन ऑल एट्रीब्यूट्स डिपेंड ऑन नथिंग बट द की, यानी कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो. तो इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. अभी तक हमने देखा जब हमारे पास एक ही प्राइमरी की है और उसी की बेस पे हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो हैं उनको डिफाइन किया, लेकिन मोर जनरल डेफिनेशन जो हैं वो भी होल्ड करती हैं अगर मल्टीपल कैंडिडेट की जो हैं आपके रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो उसमें उस केस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसको किस तरह से डिफाइन किया जाएगा. हम ये कह सकते हैं कि एनी एट्रीब्यूट इन्वॉल्व इन अ कैंडिडेट की इज अ प्राइम एट्रीब्यूट, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ऑल अदर एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स, ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि आर रिलेशन स्कीमा आर इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए इन आर इज फुली फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ आर, ठीक है. तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम तब कहेंगे कि एक रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है अगर हर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो एवरी की ऑफ आर पर, ठीक है.
जैसे कि कंट्री नेम जो है वो डिटरमिन कर रहा है टैक्स रेट, तो ये वायलेट करता है सेकंड नॉर्मल फॉर्म को, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कंट्री नेम जो था ये उसका पार्ट था प्राइमरी की का, तो ये पूरी प्राइमरी की पे टैक्स रेट जो था वो पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड नहीं कर रहा था, वो सिर्फ कंट्री नेम पे डिपेंड कर रहा था। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि कंट्री नेम जो है उसको और टैक्स रेट को लेके एक अलहदा रिलेशन जो है वो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिलेशन को ब्रेक करके जो है वो जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो है उसको अचीव कर लिया। तो ये दो रिलेशन जो है लॉट्स के हमने बना लिए। हमने बेसिकली क्या किया कि ये जो पहला रिलेशन था यहाँ पे टैक्स रेट भी आ रहा था, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी आईडी और कंट्री नेम जो है उन पे दोनों पे टैक्स रेट डिपेंड नहीं कर रहा था। टैक्स रेट डिपेंड कर रहा था सिर्फ और सिर्फ कंट्री नेम पे। तो यहाँ से टैक्स रेट जो है उसको हमने निकाल के एक अलहदा रिलेशन बना लिया, और कंट्री नेम पे क्योंकि डिपेंड कर रहा था तो कंट्री नेम को इधर भी हम ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक दूसरा रिलेशन जो है वो डिफाइन कर लिया। इस तरह से हम क्या करते हैं बेसिकली, जब भी हमें सेकंड नॉर्मल फॉर्म या थर्ड नॉर्मल फॉर्म अगर अप्लाई नहीं हो रही, हमारा रिलेशन उस फॉर्म में नहीं है, तो हम अपने रिलेशन को फर्दर जो है वो ब्रेक करके एक नया रिलेशन जो है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये लॉट्स की इंफॉर्मेशन है, इसमें प्रॉपर्टी आईडी है, कंट्री नेम है, लॉट नंबर है, एरिया है, प्राइस है, टैक्स रेट है। तो यहाँ पे जो इसको पहले अगर हम देखें तो इसमें जो कंट्री नेम है इस पे डिपेंड कर रहा है टैक्स रेट, तो इसको हमने एक अलग रिलेशन की फॉर्म में यहाँ पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। और इसी तरह से जो बाकी इंफॉर्मेशन है सारी की सारी वो इसी तरह से इस रिलेशन के अंदर आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे अगेन जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। कैसे? क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी जो है वो डिटरमिन करती है एरिया, और एरिया जो है वो डिटरमिन करता है प्राइस, ठीक है। तो इसलिए एरिया और प्राइस वाला जो है ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसको हमने अलहदा एक और रिलेशन की फॉर्म में डिफाइन कर लिया, और बाकी जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स बच गए वो एक और रिलेशन की फॉर्म में इस तरह से आ गए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है देखते जाते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, जिसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने देखा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम चेक करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, और उसकी बेस पे हम फर्दर रिलेशंस को मल्टीपल रिलेशंस के अंदर जो है वो डिवाइड करते जाते हैं। तो इसमें जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ रिलेशन स्कीमा आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ वेन एवर अ फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स डिटरमिन्स ए होल्ड्स इन आर देन आइदर एक्स इज अ सुपर की ऑफ आर, ठीक है, या ए जो है वो प्राइम एट्रीब्यूट है आर का, ठीक है। तो उस केस में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशन है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो है, ठीक है। लॉट्स वन जो था वो उसमें रिलेशन उसमें थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो वायलेट हो रही थी। क्यों? क्योंकि एरिया जो है वो डिटरमिन कर रहा था प्राइस को, जैसे मैंने पहले बताया कि एरिया जो है वो क्योंकि सुपर की नहीं है, ठीक है, और एरिया जो है वो डिटरमिन कर रहा है प्राइस को, तो इसलिए हमने क्या किया कि एरिया डिटरमिन्स प्राइस जो है उसको एक अलहदा रिलेशन के अंदर जो है वो डिफाइन कर दिया। तो अब क्या हुआ कि हमारे दोनों रिलेशन जो हैं वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ गए। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि रिलेशन स्कीमा आर इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म
If every non-prime attribute in R meets both of these conditions, it is fully functionally dependent on every key of R. पहली बात के fully functionally dependent होना चाहिए हर key पे fully, यानी के एक किस key के किसी एक part पे जो है वो dependent ना हो, ठीक है. और इट इज़ नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन एवरी की ऑफ आर, और नॉन ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट भी होना चाहिए. यहाँ पे ये बात भी जहन में रखें कि अगर एक रिलेशन थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम उसको चेक कर रहे हैं, पहली उस पर कंडीशन ये होती है कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर भी हो. इसी तरह से अगर हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म चेक कर रहे हैं तो पहली कंडीशन ये होती है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो, उसके बाद फिर हम जो है उस पर सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो चेक करते हैं, ठीक है. और ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर रहा है एक रिलेशन, तो इट मींस के वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी है और वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है. तो ये जो हमारा आज का लेक्चर था वो नॉर्मल फॉर्म्स के हवाले से था. इसमें हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है उनको डिस्कस किया बेस्ड ऑन प्राइमरी कीज. और फिर जनरल नॉर्मल फॉर्म डेफिनेशंस हमने देखी. इसमें हमने सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो मल्टीपल कीज़ के लिए हमने उसको जो है वो डिस्कस किया.